नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंजर, शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर आजाद मित्र मंडल द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कमलेश धनकर द्वारा उनके जीवन की कुछ विशेष बातें बताई। कार्यक्रम में आजाद मित्र मंडल के सभी सदस्य और वार्ड नंबर 12 के पार्षद मनोज शर्मा और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भैया ऊपर आ जाओ, बच्चों को बोला बबलू बच्चे। आज पुण्यतिथि है, उन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। तुम आ जाओ भैया, तू आ जा। अब 2 मिनट का मौन रखो। इनके पिताजी सीताराम जी तिवारी, ठीक है, ये अलीराजपुर के खबरा गांव में निवास था। उनके परिवार से बहुत गरीब थे, उनकी समस्याएं भी बहुत बीते समय में आती रहती थी। इनके 3 भाई हुए थे, लेकिन वो क्या है, कुछ समय के बाद वो नहीं रहे। उनको चिंता थी कि मैंने एक ही मेरा पुत्र है, मैं और एक पुत्र होना चाहिए, ऐसी चिंता में वो क्या है टेंशन लिया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनके घर में साधु जी का आगमन हुआ और उस साधु जी ने भिक्षा दही करके मांस को पुकारा उनकी धर्मपत्नी को। जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो आप मुझे अनुमति दें। माँ ने कहा, बेटा मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं आपको काशी जाने कैसे दूँ। जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो आप मुझे अनुमति दें। माँ ने कहा, बेटा मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं आपको जन्म होने के बाद वो बाल्यावस्था में उनकी शिक्षा दीक्षा।